बोना बोनी की शादी। उत्तम प्रसाद चौहान MBBS की पढ़ाई पूरी करके घर में आगे वाले के कमरे में एक छोटा क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज करने लगा। उत्तम के पिता नहीं थे, माँ है। हाल ही में किसी अनजान बीमारी के वजह से उन्होंने खाट पकड़ ली। उत्तम अपने माँ को कई सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास इलाज करवाने की कोशिश किया, मगर उनका इलाज नहीं हो पाया। एक बार माँ, बेटा अगर ये बीमारी कम होता तो कब का काम होता था। वैसे तुम भी डॉक्टर ही हो ना, वो दवाइयाँ तुम बना कर दो बेटा, उनके इंजेक्शन मुझे नहीं चाहिए, बोली। तब से उत्तम अपने क्लिनिक में ही दिन रात मेहनत करके तरह तरह के प्रयोग करते हुए माँ के इलाज के लिए दवाई खोजते हुए बहुत मेहनत करने लगा। ऐसे करते करते अनजाने में थोड़े नए दवाइयों के कॉम्बिनेशन बन गए। उनसे उसके पास आए मरीजों के दीर्घकालिक बीमारियां कम होकर वे लोग सेहतमंद हुए। उसने कई सारे दवाइयों की खोज की, फिर भी उत्तम का दिल नहीं भरा। उसके माँ के बीमारी को कम करने की दवाई अभी तक खोज नहीं पाया हूँ कहकर वो दुखी होने लगा। एक बार उत्तम का दोस्त मनोज उत्तम के पास आकर, यार उत्तम, तुम्हारे माँ के बीमारी की दवाई की खोज हुई क्या, पूछा। उत्तम उदास होकर, नहीं यार, मैंने अनहोने में कई प्रकार के अलग अलग दवाइयों की खोज की, मगर माँ की दवाई अभी तक खोज नहीं पाया, कहा मनोज। तो फिर क्या खोजे, पूछा उत्तम। बहुत सारे दवाइयाँ यार, कहा मनोज तब। मेरे लिए एक दवाई की खोज करो ना प्लीज। मेरी हाइट 5'4" है, तुम्हें पता है ना, मेरी पत्नी की हाइट 5'9" है। शादी के वक्त ही मैंने शादी से मना किया था, मगर मेरे बाप ने मेरी एक नहीं सुनी। लड़की बहुत सारा दहेज लेकर आ रही है तो मना क्यों कर रहे हो, मार दूंगा, चुपचाप शादी कर लो, कहकर शादी किए। तब से मुझे मेरी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाना हो तो बहुत शर्म आती है। उतना ही नहीं, मेरी पत्नी कुछ भी कहे तो भी मेरा मजाक उड़ाए जैसे लगता है। यार तुम्हारे पास कई बीमारियों के नए दवाइयां है ना, हाइट कम करने की दवाई है तो दो यार। मेरी बीवी से छुपकर उसे दूध में मिलाकर दूंगा, सुबह होते ही 4 इंच कम हुए तो बस है। यार देख के डोसेज देना, अगर वो और ज्यादा बोनी हो गई तो उसे गुस्सा आकर तुम्हारे पास से ही दवाई लेकर मुझे दूध में मिलाकर पिला देगी, तब मैं और बोना बन जाऊंगा, कहा। तब उत्तम हंसकर, परेशानी की क्या बात है, मेरे पास हाइट बढ़ाने की दवाई है, वो डाल लो, तुम 5'10" हाइट बढ़ोगे, कहकर दवाई दिया। मनोज खुशी से उत्तम के गले मिला। एक बार सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी तो उत्तम ने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं दिखा। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था तभी एक आवाज, डॉक्टर जी से मिलना है, कहकर आई। उत्तम ने नीचे देखा, वहाँ पर एक बोना आदमी था। उत्तम आश्चर्य में पड़कर, मैं ही डॉक्टर हूँ, क्या समस्या है, पूछा वो बोना। मेरा नाम डिब्बी है, यहाँ से 200 मील दूर जंगल में मौजूद उदय नगर हमारा गांव है। हमारे गांव में सब मेरे ही कद के हैं। वहाँ पर मेरे दोस्त आपके जैसा ही डॉक्टर है, उसका नाम बोना है। वो आपके जैसे यानी अंग्रेजी दवाइयों का डॉक्टर नहीं है, वो होमियो, सिद्ध वैद्य, एलोपति, आयुर्वेदा और थोड़े वैद्य विधानों से बनाए दवाइयों से भयानक बीमारियों को भी आसानी से ठीक कर देता है। वैसे मेरा यहाँ पर आने का कारण ये है कि मेरे दूसरे दोस्त का नाम बिम्बी है, उसकी बहन बोनी इस डॉक्टर से प्यार कर रही है। ये बिम्बी को पसंद नहीं है क्योंकि बोना को सिर्फ डॉक्टर के काम से आए पैसों के अलावा कुछ और जायदाद नहीं है। बिम्बी और बोनी को उनके पिता सैकड़ों एकड़ जमीन देकर गए हैं। उतना ही नहीं, बिम्बी को अपने बहन को उसके जैसे ही एक बोने के साथ शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके जैसे साधारण कद वाले चाहे जितना भी दहेज पूछे तो देकर शादी करूंगा कहकर बोल रहा है। मुझे परसों ही पता चला है कि आपने आपके दोस्त के कद को बढ़ाया है। आप वो हाइट बढ़ाने वाली दवाई मुझे दिए तो मैं उसे बोना को दूंगा, तब बिम्बी को उससे शादी करने के लिए कोई ऐतराज ही नहीं होगी। ये एक मदद किए तो हम आपको लाखों रुपए फीस देंगे, कहा। उत्तम तब, देखिए हाइट बढ़ाने की दवाई मैंने मेरे दोस्त मनोज को ही दिया है, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहने के लिए दिया है, मगर उस दवाई को पैसों के लिए बेचना मुझे पसंद नहीं है, अब आप जा सकते हैं, कहा। तब वो बोना उससे मिन्नतें करते हुए, सर ये दो प्रेमियों को मिलाने का एक नेक काम है, अगर ये शादी नहीं हुई तो बोनी आत्महत्या कर लेगी, कृपा करके ये एक मदद करके उन प्रेमियों को बचाइए, वो दवाई दीजिए साहब प्लीज, कहा। उत्तम सोचते हुए, मैं बिना मरीज को देखे दवाई कैसे दे सकता हूँ, कहा। तो वो, आप मेरे साथ आइए, कहा। उत्तम ना चाहकर भी अपने मेडिकल किट के साथ वहाँ पर गया। ऐसे दोनों उदय नगर को पहुँचे।
उदयनगर में उत्तम डॉक्टर बोना के पास बैठा था। बोना थोड़ा शर्माते हुए, माफ कीजिए, मेरा दोस्त डिब्बी मुझसे पूछे बिना आपसे मिलके आपको यहाँ तक लाके बहुत तकलीफ दिया है, कहा। उत्तम, तब जाने दो, मैंने डिब्बी को जाकर बिम्बी और बोनी को यहाँ पर लाने के लिए कहा है। ऐसे कह रहा था तभी वो लोग आए। आते आते ही बिम्बी चिढ़ते हुए, ये क्या मीटिंग है, मुझे शादी पसंद नहीं है कहकर कहा था ना, कहा। बोना सर झुकाकर बैठा हुआ था। उत्तम, तब देखिए मेरे पास सिर्फ एक आदमी को लंबा करने की दवाई है, अब से मैं वो दवाई तैयार भी नहीं करूँगा, ये मेरा नियम है। अगर आपको ऐतराजी ना हो तो बोना को 6 फुट लंबा कर सकता हूँ, ऐसे किए तो बोना को बोनी के साथ शादी करने में आपको कोई ऐतराजी नहीं है ना, कहा। बिम्बी, तब बोना के पास कुछ जायदाद नहीं है तो भी चलेगा, मगर बाद में बोना के बच्चे आप लोगों के जितने ही लंबे होंगे ना, पूछा। उत्तम, हाँ होंगे, मगर तब तो आपके गांव में पूरे बोने होंगे, इनके बच्चे लंबे होंगे, ऐसे रहा तो वो तुम्हारे गांव के प्यार से दूर होंगे। एक बार सोचिए वो लोग आपके समाज में कैसे रहेंगे, स्कूल में सीट नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, आपके समाज से जैसे उनका बहिष्कार किया हो वैसे दुखी होते हुए जीना पड़ेगा, कहा। बिम्बी सोच में पड़ गया। उत्तम, तब इस दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग रंग, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग खाने और अलग अलग संस्कृति के हजारों समाज हैं। हर एक की एक अलग विशेषता है, उनकी मर्यादा उनकी है, कोई भी दूसरों से अपनी तुलना करके नहीं जी रहा है। वैसे भी आप लोग बोने हो तो क्या, हंसी खुशी तो जी रहे है ना। एक और बात, आपके पास पैसे है ना, इसलिए सब आपको महान कहकर पुकार रहे हैं। डॉक्टर बोना कई लोगों के बीमारियों का इलाज करके उनके उम्र को बढ़ा रहा है, इसलिए सब बोना की प्रशंसा कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, आप बोना बोनी की शादी कीजिए, दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, हाइट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कहा। बिम्बी उत्तम के हाथ पकड़कर, सर आपने मेरी आंखें खोली, कल ही बोना बोनी की शादी करूंगा, आपको यही रहकर उन्हें आशीर्वाद देना होगा, कहा। बोना बोनी की शादी धूमधाम से हुई। बाद में बोना उत्तम को एक छोटी शीशी देकर, आपके माताजी को ये संजीवनी औषध 3 दिनों तक दीजिए, वो 100 साल जिएंगे, कहा। उत्तम उसे लेकर, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कहकर वहां से निकला। दवाई 3 दिनों तक डालने के बाद उत्तम की माँ पूरी तरह से ठीक हो गई।